स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतरी के दावे तो खूब होते आ रहे हैं, लेकिन इसके उलट अस्पतालों में उपचार के लिए दवाइयां तक नहीं है। और अगर दवाइयां नहीं होंगी तो उन डॉक्टरों का क्या करना जो वहां काम करते हैं। अब बागेश्वर जिला अस्पताल में स्थित जनऔषधि केंद्र को ही देख लीजिए। ये कहने के लिए अस्पताल तो है, लेकिन अस्पताल में केवल 90 प्रकार की दवाइयां ही हैं। यहां ना इंजेक्शन है ना ही सर्जिकल सामग्री, जिसके चलते सस्ती दवा की आस लेकर आने वाले मरीजों को निराश होकर वापस लौटना पड़ रहा है। बता दें कि जिला अस्पताल परिसर में 2019 में जनऔषधि केंद्र खुला था और तब से लेकर अब तक लोगों को केंद्र से बेहतर सुविधा का इंतजार बना हुआ है। केंद्र खुलने के बाद से कई संचालक भी बदल गए, लेकिन नहीं बदला तो सिर्फ अस्पताल की किस्मत। अब तक लोगों की सस्ती दवा खरीदने की आस पूरी नहीं हो सकी है। वर्तमान में भी केंद्र में दवाओं का टोटा है। जनऔषधि केंद्र की रेंज में करीब 600 दवाइयां होती हैं, लेकिन इस जनऔषधि केंद्र में केवल 90 प्रकार की दवाइयां उपलब्ध हैं। इनमें दर्द निवारक और बच्चों के उपचार जैसी प्रमुख दवाइयां तक नहीं हैं, जिसके चलते लोगों को बाजार से ही दवाइयां खरीदनी पड़ रही हैं। स्थानीय लोगों ने इसके लिए जनऔषधि केंद्र के संचालक को कई बार नोटिस भी दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी उनके कार्य में कोई सुधार नहीं हुआ। इसमें नॉर्मली यही बात है कि जो भी दवाइयां हम लेते हैं या डॉक्टर जो भी दवाइयां लिखते हैं वो हमें अंदर से ही मिलती है, और जो दवाइयां हमें बाहर से मिलती हैं वो औषधि केंद्र पे तो होती नहीं है। उसके लिए हमें जो प्राइवेट दुकानें हैं, मेडिकल स्टोर, वहीं से लेनी पड़ती है। नॉर्मल ये कह सकते हैं कि जो जनऔषधि केंद्र खोला गया है वो सिर्फ एक नाम के लिए खोला गया है, उससे ज़्यादा कोई लाभ हो नहीं पा रहा है, क्योंकि जो दवाइयाँ वहाँ पे हैं अभी वो सारी दवाइयाँ नॉर्मली अंदर से मिलती है, जैसे गैस हो गया, दर्द है, वो सारी दवाइयाँ अंदर और जन औषधि केंद्र में दोनों जगहों पे उपलब्ध रहती है, तो उसका कोई फायदा नहीं हो पा रहा। हम सरकार से ये कहेंगे कि जो दवाइयाँ मेडिकल स्टोर पर मिल रही हैं वही दवाइयाँ जन औषधि केंद्र पर आए तो तब जाके उसका हमें कोई लाभ हो पाएगा। जिस तरीके से जन औषधि केंद्र का केंद्र सरकार ने बढ़ चढ़ करके प्रचार प्रसार किया, लेकिन वहीं मानव के अनुरूप जैसे यहाँ पर मात्र 70 दवाइयाँ यहाँ पर हैं इस केंद्र में, और जबकि 300 से ऊपर दवाइयाँ यहाँ पर होनी चाहिए थी ताकि उसका लाभ जो है यहाँ की गरीब जनता ले सके, और उस कारण से उस वजह से गरीब जनता को बाहर जाकर के महंगी दवाइयाँ खरीदनी पड़ रही है। और जन औषधि केंद्र चाहे बागेश्वर का हो, चाहे वो कौसानी का हो, चाहे बैजनाथ का हो, या चाहे कपकोट का या कांडा का हो, हर जगह यही हाल है। ताले पड़े हुए हैं जन औषधि केंद्र में, और केंद्र जो है इसकी बड़ा चढ़ा करके अपनी बड़ाई कर रही है कि हमारे द्वारा जो है गरीबों को जो है निस्वार्थ रूप से जो दवाइयाँ वितरित की जा रही है, लेकिन जन औषधि केंद्र में शीघ्र ही ताले लगने वाले हैं। इस संबंध में जो जन औषधि के जो ऑपरेटर हैं उनसे मेरी वार्ता बीच में बात की गई थी, और नोटिस भी जारी किया मैंने इनको दवाइयाँ उपलब्ध कराने के लिए। अब उनका कहना है कि ऊपर से सप्लाई नहीं आ रही है, लेकिन अभी जैसे कि आपको आपने बताया कि आगामी में अवेलेबल है, लेकिन यहाँ ये अवेलेबिलिटी नहीं कर पा रहे हैं। दो तीन बार हमने इनको पत्र लिखा और उनका जवाब नहीं आया। अभी ये उत्तराखंड का दुर्भाग्य ही है कि राज्य गठन के 23 साल बाद भी पर्वतीय इलाकों के लोग स्वास्थ्य सुविधाओं से जूझ रहे हैं। इन 23 सालों में प्रदेश को न जाने कितनी सरकार और मुख्यमंत्री मिले। अब तक प्रदेश को कई स्वास्थ्य मंत्री भी मिल चुके हैं, लेकिन जो नहीं मिला वो है स्वास्थ्य सुविधाएं। अस्पतालों में न तो दवाइयाँ हैं और न ही डॉक्टर। पंजाब केसी टीवी के लिए बागेश्वर से जगदीश उपाध्याय की रिपोर्ट।